बेसिकली कैमरा के हम लोग दो ही यूज करते हैं, फोटोग्राफी एंड वीडियो रिकॉर्डिंग। तो मैक्सिमम फोटोग्राफी के लिए यूज करते हैं। तो जो कैमरा के दुनिया में है, एक ऐसी कहावत है, किसी इंग्लिश फोटोग्राफर ने कोट किया है, द बेस्ट कैमरा यू हैव इज़ द कैमरा यू हैव राइट नाउ। मतलब आपका बेहतरीन कैमरा वही है जो आपके साथ उस वक्त है। मतलब अगर आपके पास कैमरा होगा ही नहीं तो आप फोटो क्या खींचोगे। तो जो कैमरा है उससे ही आप बेहतर फोटो खींचो। सो कहने की बात यह है कि फोटोग्राफी जो होता है वो कम्प्लीटली आपके कैमरा पर डिपेंडेंट नहीं होता है, वो आपके स्किल पर डिपेंड करता है। आप कितने क्रिएटिव वे में किसी भी फोटो को लेते हो, तो वो स्मार्टफोन भी हो सकता है, वो आपका DSLR कैमरा भी हो सकता है, बहुत हाई क्वालिटी कैमराज जो कि मूवीज शूटिंग वगैरह में यूज करते हैं वो भी हो सकता है। तो एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर स्किल ऑफ फोटोग्राफी। ओके, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक फ़ोटो जो कि लिया गया है 2015 में, और ये है स्मार्टफोन से लिया हुआ कैमरा। स्मार्टफोन या कहे या जनरल फ़ोन कहे, आई डोंट नो, 2015 में उतना स्मार्टफोन भी डेवलप नहीं हो पाया था, तो उस कैमरे से लिया गया, फ़ोन कैमरे से लिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि फोटोग्राफी इज़ नॉट कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर कैमरा। सो आज की वीडियो में मैं बताऊँगा बेसिक डिफरेंसेज स्मार्टफोन और जो DSLR कैमरा है उसके बारे में, और कोशिश करूंगा इसको बोरिंग ना रखूं, इसको इंटरेक्टिव रखूं। सो आपका ज़्यादा समय लिए बिना हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्मार्टफोन पर आते हैं, तो स्मार्टफोन का कैमरा 2019 में इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है कि जो पहले पॉइंट एंड शूट कैमरा जिसे हम डिजिटल कैमरा कहते थे वो कम्प्लीटली इरेडिकेट हो गया है। अब उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका स्मार्टफोन कैमरा काफ़ी कन्वीनियंट है और हर वक्त आपके साथ रहता है, बहुत स्लिम है तो आप कहीं भी रख सकते हैं उसको। और कभी भी आपके दिमाग में आए कोई क्रिएटिव स्पॉट, क्रिएटिव लोकेशन, क्रिएटिव सिचुएशन, तो उस टाइम आप फोटो ले सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है स्मार्टफोन एज ए कैमरा। तो स्मार्टफोन कैमरा में भी काफ़ी एडवांसमेंट हो गया है। लाइक आप स्मार्टफोन कैमरा में अगर आप देखोगे आजकल के कैमरा, तो आपको मल्टीपल लेंसेज मिल जाते हैं जो कि पहले नहीं मिला करता था। तो मल्टीपल लेंसेज मिल जाता है, आपको पोर्ट्रेट मोड का सपोर्ट मिल जाता है जिसमें आप बैकग्राउंड को ब्लर कर सकते हैं लाइक DSLR, वो भी काफ़ी अच्छा इफेक्ट देता है। और आप फोटोग्राफी जो करते हैं उससे रॉ फुटेज भी ले सकते हैं। रॉ फुटेज जो फोटोग्राफर जनरली लोगों को पता होता है रॉ क्या होता है, अगर मैं सिंपल सेंस में बताऊँ तो वो एक जो पहले ज़माने में कैमरा की रील आती थी जिसे नेगेटिव भी कहते थे, तो उसको पहले साफ़ करना पड़ता था, उससे रियल फ़ोटो बाद में आती थी प्रिंट होकर। तो सेम ऐसा ही है, ये रॉ डिजिटल फुटेज कह सकते हैं इसका नेगेटिव, तो उसमें आप बहुत सारी एडिटिंग कर सकते हैं और उसको फाइनली एक प्रिंट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट मतलब ये मतलब होता है रॉ का। ओके, बेसिकली तो आप अब रॉ में भी फ़ोटो ले सकते हैं, DSLR में तो ये काफ़ी कॉमन होता है फोटोग्राफर के लिए। और हाँ, जो आपके स्मार्टफोन कैमरा में आप जूम लेंस भी लगा सकते हैं। आपको अमेजन या बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर आपको जूम लेंस मिल जाते हैं जो कि आपके स्मार्टफोन कंपेटिबल है। लेकिन जूम लेंस से कुछ हद तक बेनिफिट होता है लेकिन काफ़ी ऑकवर्ड दिखता है। तो जनरली बहुत रेयरली मैंने देखा है कि कोई जूम लेंस अपने स्मार्टफोन में यूज कर रहा है, और अगर आप जूम लेंस यूज करते हैं तो अगेन ये कन्वीनियंट नहीं रह पाता है। अब हर जगह लेके तो जाओगे नहीं इस जूम लेंस को, वो उतना ज़्यादा कन्वीनियंट वो आपके पॉकेट में तो आएगा नहीं, कम से कम आपको उसका बैग रखना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम्स आती है। अब DSLR की बात कर लेते हैं। तो DSLR में आपको जो इमेज मिलता है वो काफ़ी डायनेमिक होता है। अगर आप इमेज अभी देख रहे हैं तो इसमें स्मार्टफोन और कैमरा दो DSLR कैमरा दोनों का कंपेरिजन दिखाया है, तो इसमें आपको डायनेमिक रेंज की इमेज दिख जा रही होगी या डिफरेंस होता है। और इसमें बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है इसकी लेंसेज चेंज करने की। अगर आप लॉन्ग रेंज फोटोग्राफी करते हैं तो उसके लिए आप इसमें लेंसेज वगैरह चेंज कर सकते हैं, शॉर्ट रेंज के लिए भी आप लेंसेज चेंज करते हैं, तो ये बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है। सो दिमाग में ये आता है कि ये होता कैसे है। सो आंसर है सेंसर। स्मार्टफोन का सेंसर काफ़ी छोटा होता है कंपेयर टू DSLR। DSLR का सेंसर काफ़ी बड़ा होता है, और सेंसर का काम क्या है, लाइट्स को कैप्चर करना, और जितनी अच्छी जितनी ज़्यादा लाइट होगी उतना अच्छा इमेज प्रोडक्शन होगा। तो DSLR कैमरा में मैक्सिमम लाइट कैप्चर होती है, इसलिए फोटो क्वालिटी बेटर होती है आपके स्मार्टफोन कैमरा से। इवन इफ जो आपका DSLR कैमरा है जो 24 मेगापिक्सल का है वो काफ़ी बेहतर इमेज देता है आपके 48 मेगापिक्सल स्मार्टफोन से। सो ये नंबर्स पर मत जाइए, मेगापिक्सल कैमरा
उसका ज़्यादा है, लेकिन उसकी सेंसर साइज काफ़ी छोटी होती है आपके स्मार्टफोन की, और इसकी सेंसर साइज DSLR के काफ़ी बड़ी होती है। पिक्सल और वही होता है, पिक्सल वही होता है जो आप, अगर आप अपनी LCD स्क्रीन पर काफ़ी क्लोज जाओगे तो आपको डॉट्स दिखेंगे, वो डॉट्स होता है आपका पिक्सल, तो नंबर ऑफ डॉट्स इन स्क्वायर मीटर। तो होता क्या है, आपके स्मार्टफोन में लाइट्स आते हैं, कैप्चर होती है लाइट सेंसर से, और वो जो लाइट होती है वो डॉट्स बन के एक इमेज प्रोडक्शन करती है। अगर वो डॉट्स सही जगह पर प्लेस ना हो पाए तो आपका इमेज ब्लर दिखेगा, अगर आप उसे जूम करोगे तो आपको डॉट्स, कलरफुल डॉट्स दिख जाते हैं। उसका मतलब वो है कि जो डॉट्स है वो सही जगह पर प्लेस होने चाहिए थे, लेकिन वो सही जगह प्लेस नहीं हुआ, इसलिए आपका इमेज उतना डायनेमिक नहीं दिखता है। सो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स आते हैं, और उसमें साइज़ भी दिख रही होगा, तो आपका स्मार्टफोन का लास्ट में दिया हुआ है तो साइज़ आप देख ही सकते हो काफ़ी छोटी होती है। और मैंने ये नहीं बताया कि स्मार्ट जो DSLR कैमरा है या स्मार्टफोन है वहाँ पर एक होता है सेंसर, और उसके बाद सेंसर्स ने तो लाइट कैप्चर कर लिया, लेकिन उसका रिप्रोडक्शन कौन करता है, उसके लिए एक होता है प्रोसेसर। और कितना अच्छा प्रोसेसर है आपके डिवाइस में, स्मार्टफोन या आपके DSLR में, वो इमेज प्रोडक्शन में हेल्प करता है। अगर आपके पास स्मार्टफोन में अच्छा प्रोसेसर है जो कि आपको पिक्सल वगैरह या जो गूगल की डिवाइस या आईफोन्स है उसमें आपको बहुत अच्छे इमेज प्रोसेसर मिल जाते हैं, इसलिए आपको जो क्वालिटी मिलती है वो बेटर मिलती है। सेम वही होता है आपके DSLR में, उसमें आपको इमेज प्रोसेसर काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए जो इमेज कैप्चर हुई, जो लाइट्स कैप्चर हुई, उसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा होता है। और अगेन DSLR में सबसे अच्छी बात ये है कि मैनुअल मोड, आप हर चीज़ मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक कितनी लाइट्स आनी चाहिए, शटर स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो आप हाई स्पीड फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, और इसमें आप लेंसेज चेंज कर सकते हैं, इसमें जो इसका होता है ISO घटा बढ़ा सकते हैं लो लाइट फोटोग्राफी के लिए, तो ये सब फ्लेक्सिबिलिटी आपको मैनुअल मोड मिल जाती है, जो कि अभी तक स्मार्टफोन में अभी तक मैनुअल मोड नहीं आया, हो सकता है इन फ्यूचर आ जाए, इनकॉर्पोरेट हो जाए, लेकिन अभी तक तो DSLR इसमें ही आपका हेल्प करता है, इसमें ही इसीलिए वो बेहतर हो जाता है एक तरह से स्मार्टफोन से। सो कुल मिला के मैंने आपको कंपेरिजन बता दिया स्मार्टफोन और DSLR कैमराज में। सो फाइनली मैं अगेन ये बात कहूँगा कि हर चीज़ डिपेंड नहीं करता है आपके कैमरा पर, मोस्ट ऑफ द टाइम आपका DSLR कैमरा आपके साथ नहीं रहता है, कभी रेयरली आप कहीं घूमने गए तभी आप उसको लेके जाते हैं, आपके पास हमेशा स्मार्टफोन होता है। तो अगर आपके पास कोई अच्छी सिचुएशन आती है जहाँ पर फोटोग्राफी अच्छी आपको मिल रही है, आपकी अच्छी सिचुएशन मिल रही है, तो अगेन द बेस्ट कैमरा यू हैव इज़ द कैमरा यू हैव राइट नाउ, जो आपके पास कैमरा है वही आपका बेस्ट कैमरा है। सो आप क्रिएटिव होने का कोशिश करें, कभी कैमरे के पीछे मत भागें। सो इस नोट के साथ मैं अलविदा लेता हूँ, फिर मिलता हूँ आपके साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड जय हिंद।